दोस्तों, अगर आपको पेन ईयर बाय पैन कार्ड बनाने के टाइम में कोई दिक्कत हो जाता है जिसकी वजह से आपका पेमेंट फेल हो जाता है, या फिर मतलब आपको कुछ भी दिक्कत हो जाता है, कोई भी एरर आ जाता है या फिर जो भी है, लेकिन आपको पैन कार्ड कैंसिल करना पड़ता है या फिर आपको पैन कार्ड का जो अमाउंट है उसको रिफंड लेना पड़ता है, तो किस तरीके से रिफंड या फिर कैंसिल कर सकते हो इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हो, दिखाने वाला हो, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको पेन ईयर बाय सॉफ्टवेयर को ओपन करके यहाँ पर नीचे माई रिपोर्ट के अंदर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है। नीचे चले जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा NSDL पैन कार्ड, देन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी पैन कार्ड में आपको दिक्कत हुआ, पेमेंट फेल हुआ या फिर कुछ भी, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, आपने जिस तारीख को पैन कार्ड अप्लाई किया था, जिस तारीख को आपको मतलब दिक्कत हो, वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको उस पैन कार्ड के ऊपर में आपको कैंसिल पैन कार्ड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सिंपल सा आपको यहाँ पर कैंसिल पैन कार्ड के अंदर आपको क्लिक करके यहाँ पर यस कर देना है। देन आपको यहाँ पर दिखाई देगा यूर पैन एप्लीकेशन कैंसिल सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको रिफंड के अंदर आपको क्लिक कर देना है। रिफंड के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कस्टमर के मोबाइल नंबर के अंदर एक OTP सेंड किया जाएगा। इस OTP को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। जो भी OTP नंबर पर जाता है वो OTP आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और यहाँ पर नीचे वेरीफाइड OTP के अंदर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर OTP वेरीफाई कर देते हो तो तुरंत ही आपका मेन वॉलेट में पैसा जमा हो जाएगा। और अगर आपको पैसा नहीं मिलते तो आपको यहाँ पर नीचे आपको एक कंप्लेन दर्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो इधर से कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। तो मुझे तो कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, जब भी मैंने कैंसिल किया है तो तुरंत ही मेरा मेन वॉलेट में पैसा आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको पेन ईयर बाय में पैन कार्ड को कैंसिल या फिर फोन कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।